हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई। बिफोर स्टार्ट आवर कंटेंट, आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं फिर से एक आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, द लाइट ऑफ द अदर डेज बाय थॉमस मोरे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, ना केवल इंटरेस्टिंग पोइम है बल्कि इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि आप इसे 8th क्लास में पढ़ रहे हो, बट अदर बोर्ड में, जैसे हम सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड देर आर मेनी अदर बोर्ड, उन बोर्ड्स में इस चैप्टर्स को 9th एंड 10th लेवल्स में रखा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हो कि पर्टिकुलर ये पोइम कितनी इंपॉर्टेंट है, जो 9th एंड 10th इवन 12th के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया अदर सिलेबस, अदर बोर्ड्स में। तो अगर आप किसी और अदर बोर्ड में जाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप थोड़ी सी पोइम को ध्यान से समझना, और मे भी हो सकता है कि कहीं आपको चांस मिल जाता है इस पर्टिकुलर पोइम को एक्सप्लेन करने का, उसको पढ़ने का, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आप आसानी से इस पोइम को कर पाएंगे। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट करे चलते हैं अपनी पोइम की तरफ, देख लेते हैं पोइम क्या है। यह पोइम हमारी स्टार्ट होती है, ऑफन इन द स्टिली नाइट एज Slumber's chain has bound me. Fond memories bring the light of the other days around me. Yeah, like the word is off. Off it is like the often in the stilly night. Often in the still night, जब हमारी chill nights होती हैं, जब हमारी cool night होती हैं, as slumber's chain has bound me, as like the word before, before slumber chain, slumber का मतलब होता है, that is the sleep, यानी कि नींद। जैसे इससे पहले की जो नींद है मुझे अपने अपने आगोश में लेती है, मुझे bound करती है, in the still night, जब हमारी cold night होती हैं, fond memories bring the light of the other days around me. The word of the fond memories like the good memories. अब जो पोइट है वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं, द फॉन्ड मेमोरी, द स्वीट मेमोरी। अब जब आप समय 8th क्लास में हो, जब आप बड़े हो जाओगे, टाइम 12th पहुंचोगे, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, कॉलेज में जाओगे एंड देन प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, बहुत टाइम ऐसा आएगा जो आज जिन दोस्तों के साथ आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, अब बड़छोट छोटी बात पर थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जेलसी होती है कि लाइक ये नंबर ज्यादा क्यों ले आया, इसने ऐसा क्यों किया, वो मॉनिटर बन गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सारी बातें होती हैं। बट जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में पहुंचोगे तो यही दोस्त आपको सालों तक दिखाई नहीं देंगे, और जब देखा, जब एक बार कहीं दिख जाएंगे तो बस मन करेगा बस फटाफट से जाकर इनको हक कर लो, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो मोमेंट है ना वो याद आते हैं। तो यही सेम चीज है ना, वो यहाँ पोइट है बता रहे हैं अपने अपने दोस्तों के बारे में कि जब स्टिली नाइट होती है, जब कोल्ड नाइट होती है, तो जब सोने से पहले जो फॉन्ड मेमोरीज होती है, जो स्वीट मेमोरीज हैं, वो एक लाइट लेके आती है ऑफ द अदर डेज अराउंड मी, मतलब वो उन दिनों के बारे में जो मैं स्पेंड कर चुका हूं या मेरे चाइल्डहुड के बारे में। द स्माइल्स, द टीयर्स ऑफ बॉयहुड years, the words of love that spoken, the eyes that shone now dim and gone, the cheerful heart now broken, this is the stilly night. Means the smile, he talk about the smile, वो जो जिस तरह से वो लोग हंसा करते थे, the tears, कैसे वो खट्टी मीठी बातें हो जाती थी, डांट पड़ जाती थी, आपको भी अपने पेरेंट्स से डांट पड़ती है, टीचर से डांट पड़ जाती है, एंड कभी कभी आप रोने लगते हो, तो सेम द पोइट इज डिस्क्राइबिंग जो स्माइल्स है, जो टीयर्स हैं, और बॉयहुड ईयर्स, जब वो छोटे बच्चे थे, उनके जो बॉयहुड का जो टाइम चल रहा था, जो टाइम था उस समय, कैसे वो मुस्कुराए करते थे, कैसे छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते थे, टीयर्स होते थे, बैड मेमोरीज होती थी। द वर्ड ऑफ लव देन स्पोकन, जो प्यार के शब्द उस समय बोले जाते थे, या द पोइट बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में, जो आपस में हम दोस्तों में बात किया करते थे, वो प्यार भरे शब्द जो है, जो उस समय कड़वे लगते हैं, या अभी कभी भी आपको क्या होता है, आपके दोस्त जो है थोड़ा इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, तू तड़ाक करके बोल रहे होते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है, बट ये सारी चीजें बड़े कहीं जाके मिस कर रहे होते हैं। तो वही जो पोइट ने बता रहे हैं, द वर्ड्स ऑफ लव द स्पोकन, जो वर्ड्स उस समय बोले जाते थे, द आईज दैट शोन, जो आंखें इनमें हमेशा चमक बनी रहा करती थी, नाउ डिम एंड गॉन, अब पूरी तरह से धुंधली पड़ चुकी हैं, एंड गॉन, बंद हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, मतलब बता रहे हैं कि उनके जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो डेड हो चुके हैं, वो इस दुनिया में ही नहीं हैं। द चीयरफुल हर्ट्स नाउ ब्रोकन, जो हर्ट कभी बहुत ज्यादा चीयरफुल हुआ करते थे, मतलब फुल ऑफ जॉय हुआ करते थे, हैप्पीफुल हुआ करते थे, हैप्पीनेस शो करते थे, हमेशा खुश रहते थे, आज वो ब्रोकन, टूट चुके हैं। दस इन द स्टिल नाइट, ये जो स्टिल नाइट है, ये जो हमारी जाड़ों की रात है, उसमें क्या होता है, जब ये रात आती है, एयर स्लम्बर्स चेंज हैज ब्रॉट मी, इससे पहले कि नींद मुझे अपने आगोश में ले ले, सैड मेमोरीज ब्रिंग द लाइट ऑफ द अदर डेज अराउंड मी, तब एक सैड मेमोरीज मेरे लिए लेके आती है। पहले क्या था, फॉन्ड मेमोरी, जब वो स्टार्ट करते हैं सोचना, जब वो सोने जाते हैं, उस बेड पे लेटे होते हैं, तो उस समय जो मेमोरीज आती हैं, स्वीट मेमोरीज, यार मैं दोस्तों के साथ में बाग में जाया करता था, आम तोड़ा करता था, हम खेलने जाते थे, हम ऐसा होता था, वैसा होता था, एंड जैसे जैसे हमने मेमोरीज बढ़ती चली गई कि हाँ क्या हुआ कि हम लोग बड़े हुए, फिर अलग हो गए, स्कूल्स में गए, कॉलेज में गए, एंड देन क्या हुआ, लास्ट टाइम ये आया कि हम सारे अब लोग ओल्ड हो चुके हैं, उनमें से हमारे कई सारे दोस्त हैं वो अब खत्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनकी सिर्फ मेमोरीज हैं। तो जब वो जो मेमोरीज है वो यहां सैड में चेंज हो जाती है, जो नेक्स्ट स्टेंजा में पॉइंट जो वही बता रहे हैं, एट द स्लम्बर चेन हैज बाउंड मी, जब नींद मुझे अपने आगोश में ले, इससे पहले सैड मेमोरीज रिंग द लाइट ऑफ द अदर डेज अराउंड मी, मेरे जो पुराने दिन की जो सैड मेमोरीज हैं वो मेरे माइंड में आने लगती हैं।
नेक्स्ट पार्ट कहता है इसका, व्हेन आई रिमेंबर ऑल द फ्रेंड्स सो लिंक टुगेदर, जब मैं याद करता हूं उन सभी दोस्तों को, द फ्रेंड्स को शो लिंक टुगेदर, वो कितने ज्यादा इकट्ठे रहते थे, टुगेदर होते थे, क्या बॉन्ड था हम सबके बीच में। कभी भी हम कहीं भी जाते थे, मतलब स्कूल हमें जाना है तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर जाते थे, एंड जो भी हम एक्टिविटीज करते थे, हम खेलते थे, वो एक दूसरे लिंक हो रखे थे टुगेदर। आई हैव सीन अराउंड मी फॉल, मैंने इनको देखा है अराउंड मी, मेरे टू फॉल, उनको डिस्ट्रॉय होते हुए, उनका पतन होते हुए, उनकी डेथ होते हुए, लाइक लीव्स इन द विंटरी वेदर, जैसे कि जो विंटरी वेदर आता है, जब जाड़ों का समय आता है, तो धीरे धीरे जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, वेदर इसमें फॉल होने लगती हैं। वैसे ही जो मेरे दोस्त थे वो एक तरह से जुड़े हुए थे, ऐसा लगता है एक ब्रांच के हम सब लोग एक पत्ते थे, लीव्स थे, लेकिन वो गुजरते हुए वक्त के संग, जैसे जैसे विंटरी सीजन हमारी लाइफ का आया, वो धीरे 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 एक एक करके सारे लोग गिर गए। I feel like one, मैं महसूस करता हूँ, who trades alone, trade यहाँ पे बताए like calplus होगा, ये कुचल के आगे बढ़ जाना, but यहाँ पे जो means आया है, that is the alone, who left alone, जो मुझे अकेला छोड़ गए, some banquet hall deserted, मतलब कुछ जो banquet hall है वो deserted हो चुके हैं, मतलब वीरान हो चुके हैं, एकांत हो चुके हैं, there is no one in that, उनमें कोई नहीं है, banquet hall जहाँ हमारी शादियाँ होती हैं, functions होते हैं, whose light are fleed, उनकी जो light है वो fleed हो चुकी है, fleed का मतलब होता है वैसे तो भाग जाना है, लेकिन यहाँ पे हुआ है मतलब उनका, उसकी जो चमक है वो खत्म हो चुकी है, whose garland dead, उसकी जो garlands हैं, जिन फूलों से banquet hall को सजाया गया था, अब वो dead हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं, पूरी तरह से सूख चुके हैं, and all but he departed, all, सारे के सारे, लेकिन केवल वो depart, मतलब उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे दोस्त हैं वो depart कर चुके हैं, वो अभी भी उस पर्टिकुलर banquet hall में या इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में रखा हुआ। banquet hall क्या है, जब हम शादी में जाते हैं देखा होगा banquet hall में पूरी तरह से सजा हुआ होता है, ऐसी जब वर्ल्ड है हमारा सब तरफ से अट्रैक्टिव चीजों फुल हो रखा है, हम तब तक हम enjoy करते हैं जब तक हमारी फैमिली हमारे साथ में है, हमारे दोस्त हमारे साथ में, या जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, जब तक वो हमारे साथ में तब तक हम लाइफ को एंजॉय करते हैं, सेम वही है। तो वो जो बैंकेट हॉल है वो अब डिजर्टेड हो चुका है, किसके लिए, कोविड के लिए, जो पूरा वर्ल्ड है वो डिजर्टेड हो गया, यहाँ की लाइट जो है फ्लीड हो चुकी है, गार्लैंड्स जो है मतलब जो फूल मालाएं हैं पूरी तरह से मर चुकी हैं या मुरझा चुकी हैं, उसके अलावा सारे लोग डिपार्ट कर चुके हैं, सारे लोग उसको छोड़कर जा चुके हैं, मतलब उन सारे फ्रेंड्स की डेथ हो चुकी है। एंड द लास्ट वन, दस इन द स्टिली नाइट, इसलिए जो स्टिली नाइट में जो ठंडी रातों में, एट स्लंबर चेन हैज बाउंड मी, जो स्लंबर चेन है मतलब नींद जब मुझे आगोश में ले, उससे पहले सैड मेमोरीज ब्रिंग द लाइट ऑफ द अदर डेज अराउंड मी, मैं मेरे माइंड में जो सैड मेमोरीज हैं रिगार्डिंग माई चाइल्ड हुड रिगार्डिंग माई फ्रेंड, वो सारी की सारा मेरा जो माइंड है पूरी तरह से फिल हो जाता है, किससे, मेरी सैड मेमोरीज से। नाउ दैट पोएम इज कंपोज्ड बाय द थॉमस मूरे, थॉमस मूरे ने इस पर्टिकुलर पोएम को लिखा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर उसकी एक्सरसाइज पे, सबसे पहला था कंप्लीट द समरी, समरी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे हम इस तरह से हमें दिया हुआ है कि हमें एक्सरसाइजेस दी हुई है और हमें फिल करना है कि द पोइट सेज ऑफन ब्लैंक इन मेमोरी, तो इसको मैंने यहाँ कंप्लीट करके दूसरी साइड आप देख सकते हो, ये लिखा है द पोइट सेज दैट ऑफन, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको डार्क सर्कल किया हुआ है, डार्क का मतलब है दैट इज द फॉलिंग, द पोइट सेज दैट ऑफन फॉलिंग मेमोरीज ऑफ एस्लीप कम ऑफ हिज बॉयहुड कम टू him and remembers the smile and tears his boyhood days, मतलब मैं आपको समझा भी देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, ये the poet says, poet कहता है कि often falling asleep, जब वो नींद में सो रहा होता है, मतलब ज्यादा सोने जाता है, memories of boyhood, उसके boyhood की जो memories हैं come to him, उसे आती हैं, उसके mind में आती हैं, he remembers the smiles and tears, वो याद करता है जो smiles होती हैं, tears होती हैं of his boyhood, अपने boyhood के बारे में, जो boyhood days होते हैं, मतलब उसके childhood days होते थे, जो अपने दोस्तों के संग spend करता था, he remembers the bird and the cheerful heart that that are now broken, अब उन याद करता है उन वर्ड्स के बारे में, किस टाइप के वर्ड्स, किस टाइप की लैंग्वेज वो आपस में बोलते थे, कितने प्यार से वो लोग रहते थे, एक चीयरफुल हार्ट होता था, हमेशा खुशी का माहौल होता था, लेकिन दैट नाउ हैज ब्रोकन, अब पूरी तरह से वो टूट चुका है, एंड फील सैड, अब वो जो है बहुत सैड फील करता है। नेक्स्ट ये वाला, he says whenever he recalls his friends, जब भी अपने फ्रेंड्स को रिकॉल करता है, उन्हें याद करता है, who are now dead, जब वो डेड हो चुके हैं, जब उनके इनकी मौत हो चुकी है, he feels lonely, वो अकेला महसूस करता है, as he is the only one left, केवल वही एक व्यक्ति है जो अकेला रह गया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब था ना कि all what he departed, all what he departed, मतलब केवल उसे छोड़ के सारे लोग डिपार्ट कर चुके हैं, सारे लोग जा चुके हैं, सारे लोग सबके लोगों की डेथ हो चुकी है। ओके तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट, हमें एक लाइन दी हुई है, फॉन्ड मेमोरीज ब्रिंग द लाइट ऑफ द अदर डेज अराउंड मी, इस लाइन के बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन डज इट दिस हैपन, ये कब होता है, तो आंसर इज दिस हैपन जस्ट बिफोर द ऑथर इज अबाउट टू फॉल एस्लीप एट नाइट, ये कब हो रहा है, जब उस ऑथर के सोने से पहले, जस्ट बिफोर द ऑथर अबाउट टू एस्लीप। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द अदर डेज रेफर टू, ये जो पर्टिकुलर अदर डेज के बारे में बात की गई, अदर डेज है क्या,
दे रेफर टू द चाइल्डहुड डेज, वो अपने चाइल्डहुड डेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनके चाइल्डहुड डेज थे, कैसे वो एंजॉय किया करते थे. Why does the poet use the word fond of the memory? क्यों जो पर्टिकुलर पोइट है वो वर्ड यहाँ पे यूज करता है fond for the memory. Fond क्यों वर्ड यूज कर रहा है मेमोरी के लिए. He uses his word because those memories are good one. ये जो memories थी वो अच्छी थी and the poet cherishes them और उनको बहुत ज्यादा enjoy कर रहा होता है. जब भी वो memories उनके mind में आती हैं वो उनको enjoy करता है. यहाँ second हमारे पास question दिया हुआ है. Thus in the stilly night as slumber chain has bound me, sad memories bring the light of the other days around me. यहाँ particular stanza के basis पे मैं question पूछा गया. Explain chain. Chain क्या होता है? Chain की हम बात करें, हमारे sweater में भी chain होती है, हमारी trousers में भी chain होती है, बहुत सारी chains के बारे में बात करते हैं. But what the mean of chain here? Chain का यह मतलब क्या है? It means sleep which wind us like a chain once We fall asleep. ये एक स्लीप है, हमारी नींद है जो हमें वाइंड कर देती है, जो हमें बांध देती है एक चेन की तरह. Once we fall asleep, मतलब कि हम बहुत गहरी नींद में हो गए. गहरी नींद का मतलब है कि वो जो एक्चुअल में जो हमारी नींद है, नींद की जो चेन है वो हम पे कंटिन्यू हमें वाइंड कर रही होती है. तो धीरे धीरे हम क्या होते हैं, बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं. तो यहाँ पे जो चेन का मीन्स है वो ये हो जाता है. एंड द सेकेंड वन, Why is the memories referred as a sad? पहले हमसे पूछा गया था फॉन्ट वर्ड क्यों यूज किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है why? Is memories refer to the sad? यहाँ पे sad word क्यों use किया गया था? Answer is, it described as a sad. उसे describe कर रहे हैं sad because the friend of boyhood are no longer the poet's life. अब वो no longer मतलब अब नहीं है कहाँ poet's की life में. And some have either died or moved or in life. या तो वो उनके दोस्त depart हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, या अपनी life में move कर चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू थिंक द पोइट मींस व्हेन ही सेज ब्रिंग द लाइट ऑफ द अदर डेज. आपका क्या मतलब है जब पोइट कहता है ब्रिंग द लाइट ऑफ द अदर डेज. तो वह इट मींस दैट द पोइट मेमोरीज लाइट अप. उस पोइट की जो मेमोरीज हैं वो लाइट अप हो जाती हैं, उन्हें वो रिकॉल करता है इस थॉट, मतलब पूरी उसके थॉट है, उसका जो माइंड है उन्हीं मेमोरीज से भर जाता है. एंड ब्रिंग्स अ लिटिल चीयर his sad and lonely present. मतलब उसके एक थोड़ी सी little cheer, एक थोड़ी सी खुशी उसे मिलती है to his sad and lonely present, क्योंकि वो उस समय sad हो रखा है presently और अकेला हो रखा है. जब भी उसे memories आती हैं तो उस थोड़े समय के लिए वो बहुत खुश हो जाता है. Okay. नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया हुआ है. आई हैव सीन अराउंड मी फॉल लाइक लीव्स इन द विंटरी वेदर, आई फील लाइक वन हु ट्रेड्स अलोन, सम बैंकेट हॉल डिजर्टेड. तो ये व्हाट डज द पोइट मीन बाय फॉल. By poet का fall से क्या मतलब है? Whom has he been falling? The answer is the poet has been has seen his old friend from his childhood days fall. मतलब ये poet ये कहता है उसने देखा है अपने उसके सारे friends को childhood वालों को fall करते हुए, उनका उन्हें destroy होते. He means that they are dead. उन्हें खुद से अपनी आंखों के सामने उन्हें dead होते देखा है. ठीक है. What mood of the poet of do these lines convey? ये particular poet का क्या mood convey करते हैं कि वो happy है, sad है, क्या है? तो दे आर कंपेयर टू फॉलिंग लीव्स इन द विंटरी सीजन, जस्ट लाइक लीव्स फॉल एट द एंड ऑफ द ईयर. सो टू हिज फ्रेंड हैव डाइड वन बाय वन द ओल्ड एज. क्या पर्टिकुलर जो तरीका है या क्या क्या जो पर्टिकुलर मूड है उसका वो कन्वे किया जाता है, किस मूड से वो लिख रहा है? तो यहाँ पे दे आर कंपेयर टू फॉलिंग लीव्स. मतलब वो जो है कंपेयर करते हैं फॉलिंग लीव्स इन द विंटर सीजन में, जस्ट लाइक लीव, जैसे कि जो लीव्स हैं फॉल होती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे साल के अंत में जब हमारी ऑटम सीजन आती है तो क्या होता है सारी जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं, देन न्यू लीव्स स्प्राउट होने लगती हैं, नई पत्तियां खिलती हैं. सो टू हिज फ्रेंड, उसके दो दोस्त भी हैं वो डाइड मर गए हैं वन बाय वन इन ओल्ड एज. ओल्ड एज में आते हो क्योंकि हम एक ये क्या है एक लाइफ साइकिल है हम लोगों का. हमका जन्म हुआ, पहले हम बहुत छोटे से बच्चे थे, इनको हम इन्फेंट बोलते हैं. फिर हम थोड़े से बच्चे बड़े हुए, फिर थोड़ा सा स्कूल आना स्टार्ट किया, देन आज हम 8th क्लास में, फिर हम 10th करेंगे, हम 12th करेंगे, स्कूल को हम क्विट करेंगे, देन हम ग्रेजुएशन में जाएंगे, है ना. ग्रेजुएशन में हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, हम फिर कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, देन धीरे धीरे हम ओल्ड हो जाएंगे और एक टाइम में आएगा कि दैट वी हैव टू डिपार्ट ऑल्सो. हमें भी इस वर्ल्ड से डिपार्ट होना ही पड़ेगा. Point out some simile in these line and explain. यहाँ पे similes बताना है. सिमली हमने बिल्कुल डिस्कस की है ना, लाइक लीव्स इन द विंटरी वेदर. जब किसी सेंटेंस में लाइक या एस से स्टार्ट होता है तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द सिमली, तो सिमली हो जाता है. तो यहाँ पे हमें सिमली बताना है. Point out simile. यहाँ पे जो एस हमने एक्स्ट्रा आया हुआ है, दैट इज द एक्स्ट्रा पार्ट, इज अ टाइपिंग मिस्टेक ओनली. Point out simile in these line and explain it. ठीक है, तो लाइक लीव्स इन द विंटरी वेदर इज एग्जाम्पल ऑफ सिमली. ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 9. चैप्टर 10 के संग बहुत जल्दी मैं आपको आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा. एंड नाउ फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर.
And at last, I request you again, again and again, don't forget to like, share and subscribe the channel. Padhai Likhai. Milte hain chapter 10 ke sang ek aur nayi video ke sang. Tab tak ke liye, goodbye.